केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। आप लोगों से मिलते हैं तो लोगों को क्या कहती हैं? हम सुबह शाम दोपहर हर टाइम में लोगों से मिलने जा रहे हैं, सबों का दुख सुन रहे हैं, सबों से पूछ रहे हैं आपको कोई परेशानी दिक्कत हो, सब कोई हमको बता रहे हैं। और हम सभी से यही कहते हैं कि आप हमको एक मौका दें, आशीर्वाद दें। हम आपके विश्वास पर खड़ा हो रहे हैं, ये वादा है, जनता से वादा कर रहे हैं। हाँ, सभी से अपने साथ रहेंगे, अधूरे कार्य को पूरा करेंगे, जरूरतमंद को आवाज दिलाएंगे। अधूरे कार्य को पूरा जात पात का रणनीति नहीं करेंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, बूढ़े बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे। उसके बाद जहाँ रोड नहीं है उसको रोड बनवाएंगे आप? जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड बनवाएंगे, जहाँ नाला नहीं है वहाँ नाला बनवाएंगे, आंगनबाड़ी भवन नहीं है वहाँ आंगनबाड़ी भवन बनवाएंगे। उसके अलावा जनता दरबार भी लगेगा आपको? हाँ, हर एक रविवार को हम जनता दरबार लगाएंगे, यहाँ पे सभी का समस्या का समाधान होगा। सभी का समस्या का समाधान? मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलेगा? हाँ, मनरेगा के तहत सभी को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ेंगे। आपके यहाँ पे खेलकूद का मैदान नहीं है? अपने पंचायत में खेलकूद का व्यवस्था भी करेंगे। खेलकूद के मैदान? खेलकूद का मैदान बनवाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो हम खत्म करेंगे, किसी से भी एक रुपया नहीं लिया जाएगा, घर के काम लाएंगे, लोग से और पंचायत का विकास करेंगे। पूरे पंचायत में, पूरे जिला में कनौला पंचायत को नंबर वन बनाने का मेरा सपना है। बड़े बुजुर्गों से मैं विनती करती हूँ कि एक मौका मुझे दिया जाए पंचायत का सेवा करने का, क्योंकि मैं इस पंचायत का बहू नहीं बेटी हूँ। इस पंचायत के सपनों को मैं साकार करूँगी। क्या नाम है? श्रीमती प्रभा कुमारी, मुखिया प्रत्याशी है सनौला पंचायत। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।